हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय सेल्फ हरीश अग्रवाल। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो हम करते हैं एक्सरसाइज 6.4 का एग्जांपल नंबर 9, जो कि क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ से बेस्ड है। देख लेते हैं क्या गिवन है कि इन फिगर हमें डायग्राम दिया गया है एक द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। जो ये लाइन सेगमेंट है एक्स वाई, वो किसके पैरेलल है? साइड ए सी के। बहुत बढ़िया जी। गिवन क्या कुछ है कि जो एक्स वाई है वो पैरेलल किसके है? हमें दे रखा है जी ए सी के। ठीक है जी। और क्या गिवन है? ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड इट डिवाइड द ट्रायंगल है इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। कि जो ये चीज है ना, तो लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रहा है, तो यहां पे मेरी दो ट्रायंगल बन रही है। एक ट्रायंगल बन रही है ए बी सी और एक बन रही है एक्स बी वाई। दो ट्रायंगल बन रही है ना, तो क्या कहता है टू पार्ट ऑफ इक्वल एरिया। मतलब क्या है कि जो एरिया होगा, यहां पे लिख देते हैं गिवन के अंदर ही, जो मेरा एरिया होगा किसका, ट्रायंगल ए बी सी का, वो इक्वल होगा टू टाइम्स ऑफ किसका, इसका छोटे वाली का एरिया। किसका? एरिया ऑफ एक्स बी वाई। ये बात क्या जाता है कि टू पार्ट ऑफ इसका डबल जो है एरिया होगा बड़ी वाली ट्रायंगल का। ये दो चीजें हमें इसके अंदर गिवन है और हमसे कहा फाइंड द रेशियो। और हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, करते हैं। बात हो रही है ट्रायंगल एबीसी की और एक्स बी वाई की। तो पहला काम क्या है कि हमें इनको सिमिलर प्रूव करना। तो पहला काम यही करते हैं कि इन ट्रायंगल कौन कौन सी, ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स बी वाई, इसके अंदर देखा तो एक चीज में एक नजर आई साफ। छोटी वाली ट्रायंगल इसको डार्क कर देते हैं समझने के लिए। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल एक इस बड़ी वाली ट्रायंगल में, एक छोटी वाली में, ए बी सी में और एक्स बी वाई में बी एंगल क्या आ रहा है? कॉमन है जी, बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, कि एंगल है जो बी है ए बी सी, वो इक्वल है किसके, एंगल है एक्स बी वाई के। क्या है जी, ये कॉमन है। बहुत बढ़िया जी। एक बात और नजर आई मेरे को कि जब दो लाइन पैरेलल हो और कोई थर्ड लाइन वो कट कर दे, तो इनके जो है एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, ये वाला एंगल है, ठीक है, क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं इनके? इक्वल होते हैं। यानी जो एक्स वाला एंगल है वो एक इक्वल हो जाएगा और वाई वाला एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी बी एक्स वाई जो एंगल है, पहले एबीसी की बात हो रही है, बी ए सी एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा बी एक्स वाई के। बी एक्स वाई के क्यों हो जाएगा जी? ये है जी मेरा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, समझ गए? ठीक है। अब भाई देखो, दो एंगल प्रूव हो गए, थर्ड की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या कह देंगे कि बाई ए ए, क्या जो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गई किसके, एक्स बी वाई के, हो गई सिमिलर। बहुत बढ़िया जी। अब क्या निकालना है हमें, अगर दोनों साइड अपनी इक्वल है तो थ्योरम अपनी 6.6 क्या कहती है? ठीक है, कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल ए बी सी का और जो रेशियो निकालूंगा मैं ट्रायंगल एक्स बी वाई के, वो एक्स बी वाई के, वो इक्वल होगा उनकी कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के। ठीक है, ए बी सी के अंदर क्या, ए बी बात हो रही है, बहुत बढ़िया जी। यहां पे क्या, एक्स बी का स्क्वायर आगे क्या है, ये हो गया। और हमें गिवन से, इसके अंदर से अगर हमें तो चीज गिवन है, ठीक है, तो उससे हम क्या निकालेंगे, इसको नाम देते हैं जी नंबर 1। नाउ क्या हमें एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल दिया गया टू ऑफ एरिया एक्स बी वाई के, तो ये टू मल्टीप्लाई में है ना, ये सब चीजें कहां आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी इसके। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई टू
ठीक है, और नीचे हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये चीज, ये एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, फ्रॉम वन एंड टू, ये वैल्यू किसकी, देखा जाए इसकी है, इसको यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, क्या फ्रॉम वन एंड टू क्या बन जाएगा, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, टू बाई वन इज इक्वल टू में ए बी अपॉन एक्स बी का स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी अंडर रूट टू का, और वन का स्क्वायर रूट क्या होता है, वन ही होता है, तो ये वन रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ए बी अपॉन एक्स बी। अब हमें क्या इसमें देखो, प्रूफ के अंदर ए बी डिवाइड में चाहिए, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर दिया मैंने, क्या एक्स बी अपॉन ए बी, ए बी डिवाइड में चाहिए, ठीक है, इसलिए ये आ गया वन बाई अंडर रूट टू। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक्स बी ना चाहे हमें ए एक्स चाहिए, है ना, यानी ए एक्स चाहिए, यानी पूरे की पूरे अगर मैं ए बी के अंदर से जो ये बी एक्स वाला हिस्सा निकाल दूं तो ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना। तो क्या किया मैंने, बोथ साइड वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों साइड वन वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा ए बी, यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ भी कर दिया। अब इन दोनों का जो मेरा एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, ए बी आएगा, ए बी की वन से मल्टीप्लाई ए बी, और यहाँ बचेगा एक्स बी। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, अंडर रूट टू, यानी ऊपर बनेगा अंडर रूट टू माइनस के वन। ठीक है, अब ये करने मकसद क्या था, ए बी अपॉन एक्स बी, यानी ए बी में से माइनस कर रहे हैं एक्स बी, ए बी में से एक्स बी माइनस कर देंगे, क्या रह जाएगा, ए एक्स रह जाएगा, ये लो जी ए एक्स बी आ गया, नीचे ए बी। ठीक है, आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, जो आंसर मेरा ये है ना, ये चीज यहाँ पे लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करना चाहो तो क्या, इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरे को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट टू से, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, थोड़ा सा अगर सॉल्व करना चाहो तो अंडर रूट टू माइनस के वन और नीचे अंडर रूट टू। ठीक है, अंडर रूट टू की अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, ये टू बन जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी तो अंडर रूट टू की टू से अंडर रूट टू से होगी, क्या बन जाएगा टू। जब अंडर रूट टू की वन से करेंगे तो अंडर रूट टू, ये क्या आ गया ए एक्स अपॉन ए बी, यही चीज हमें ए एक्स अपॉन ए बी हमें निकालनी थी। दोस्तों यहाँ ख़त्म हुआ अपना एग्जाम्पल नंबर 9। ये एग्जाम्पल था, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले सकते हो, समझ में आ गया है तो क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। डाउट रहा है नीचे कमेंट कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर पूछना चाहो तो डाउट अपने वहाँ भी पूछ सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।